मैं है पमू, आपका स्वागत है ज्ञान विज्ञान का एक नए एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक के बारे में। क्या आप ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना आपके लिए से आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है? जी हाँ, ज़रूर हानिकारक हो सकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि कोला या कोल्ड ड्रिंक, जितने भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं, मैं कोला का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि कोला सबसे वर्ल्ड में फेमस ब्रांड है। तो जो कोला या कोल्ड ड्रिंक जो होता है वो दो मेन एडिटिव कंटेन करता है, एक होता है कैफीन और दूसरा होता है कार्बोक्सिक एसिड। कैफीन जो होता है उसको कोल्ड ड्रिंक में क्यों डाला जाता है, इसको लेकर बहुत रिसर्च करने वालों का अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको इसलिए मिलाया जाता है ताकि हमें कोल्ड ड्रिंक का एडिक्शन हो सके। आप सोचेंगे कैसे? तो जैसे आपको पता है चाय और कॉफ़ी का हमें एडिक्शन हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कैफीन कंटेंट होता है। वैसा ही साइंटिस्ट लोग का मानना है कि कैफीन जो होता है इसलिए मिलाया जाता है, बहुत रिसर्चरों का ये मानना है कि कैफीन इसलिए मिलाया जाता है ताकि हमें उस चीज़ का एडिक्शन हो सके। कई रिसर्च में ये भी पाया गया है कि ज़्यादा इंटेक करने के बाद कोल्ड ड्रिंक, कई लोगों को चिड़चिड़ापन, ध्यान न लगना, नींद आना जैसी बीमारियाँ भी होती है। इसके अलावा कार्बोक्सिक एसिड जो कोल्ड ड्रिंक कंटेन करता है उसको डाइजेशन के लिए कैल्शियम रिक्वायर होता है। अगर कोई आदमी है या कोई भी पर्सन है वो कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहा है पर वो आउटसोर्स नहीं कर रहा है कैल्शियम का, मतलब वो बाहर से कैल्शियम नहीं ले रहा है, तो बॉडी कैल्शियम कहाँ से लाएगी? बॉडी लाएगी बोन से। हम कोल्ड ड्रिंक पीते जाते हैं, बॉडी उसको डाइजेस्ट करने के लिए कैल्शियम हमारे बोन से निकालती जाती है, जिसकी वजह से ऐसा पाया गया है कि ज़्यादा इंटेक करने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप कोल्ड ड्रिंक पिए तो इन बातों का ध्यान रखें, एक सेफ अमाउंट में ही कोल्ड ड्रिंक पिए। अगर आपको ये नॉलेज, ये ज्ञान पसंद आया है तो ज्ञान विज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें।